पहले काला अकुलों में जो कुछ आपने पढ़ाया है उसी का बयान चल रहा है। हमने पढ़ा था कि इल्म का शुरू करना इसमें इल्म के तसव्वुर पर मौकूफ है या गरज और आयत पर या फिर उसके मौजू पर। गरज और आयत के बयान में कहा था फइम्मा आला बयान हाजति इलैही फलअन्नहु लौ लम यअलम गायत العلم والغرض منه لكان طلبه عبثا। ठीक है, अगर वो इल्म की गरज गायत ना जाने तो ऐसी सूरत में वो अपने तलब में क्या होगा, बेकार होगा, कोई फायदा उसको हासिल नहीं होगा। इस इबारत पे यहाँ पे इन्होंने हाशिया लगाया है। गरज हाशिया क्या है उसको समझें, इसके बाद मकूम हाशिया फिर कहीं अगर बात समझ में आती है तो तकदीर के हाशिया। गरज हाशिया को बयान करते हुए हाशिए के हाशिए नंबर 10 पे जरा देखें क्या लिखा है उन्होंने, यानी अन्न शुरुआ लिखा है गरजहु मिन हाजिहि हाशिया दफ़ो इरादिन यमकिनु अन यूरदा अला शारिहि हुवा अन्न अलअबथ इत्तिकाबु खैरिन बिला फ़ाइदति ऊपर लिखा हुआ है आबस के बारे में कुरान करीम में इस तरह के अल्फाज हैं, है ना, दूसरे है अतबनून बिकुल्ली रिज़्न आयतन तअबथून। ठीक है, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ। खेल कूद तमाशा बेकार, कोई फायदा ना। तो अबस का माना आपने जान लिया, ठीक है, और अबस के अकसाम और अनवा अगर देखे जाए तो अशखास और अहवाल के अतबार से उसकी नवाइयत चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने इसमें नीचे लिखा है 400 लिखी है, लिख रहे आपको आसान है तो मसला नहीं, विदून फायदा तिम्मा कोई फायदा नहीं। लफ्ज आया मोतद, आया मोतद का मतलब जो लायक पायक मुनासिब हो। ठीक है, मुरतब का मतलब ये कि जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के का नतीजा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक तरीके से मुरतब के माने उसको लिख कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने का फायदा क्या। अब चार कंडीशन इसकी आवस की निकल के आती है, मिसाल लिखा लिखा है आवस की जगह ना इरतकाब हो के इल्म बिला फायदा हासिल लिखा हुआ है, ठीक है, फायदे के किसी भी इरतकाब अंजाम करना ये हुआ। अब उसके नीचे मैं लिखा है दो कंडीशन आवस की अगर ही उस बात में देखते हैं ये चार में आ जाइए। तो किसी भी काम शुरू किया बगैर किसी फायदे के शुरू किया, विदुर फायदा दिन माँ कोई फायदा ही नहीं, क्या नजर आएगा इसको कहते हैं आबस हकीकी। ऊपर लिखा होगा आबस हकीकी क्या मारा है सुरफीर फायर फायदा तुम असलम, इसमें फायर को कुछ भी फायदा हासिल कोई ना। जैसे हम और आप क्या करते हैं मोबाइल का कसर से इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे इस्तेमाल भी होते हैं जहाँ कोई फायदा नहीं, इंस्टाग्राम है ट्विटर है फसाद बुक है हाँ फिर तो व्हाइट हाउस है नहीं व्हाट्सएप भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चार प्रश्न निकले, बेदनी फायदा कुछ भी फायदा नहीं, यहाँ पे आ जाओ फायदा गैर मुरतब और गैर मुरतब भी है, ये गैर मुरतब मोतद तो मोतद और मुरतब तो अब शुरू में कहीं गैर लगा दो दोनों में अलग तकसीमें कर करके आप क्या लेंगे आ जाएंगे। इसमें मैंने लिखा है आपको फायदा है मुरतब है लेकिन वो गैर मुतद है, मतलब क्या है इल्म मंदिर कौन पढ़ना है, इल्म मंदिर पढ़ने के लिए इल्म मंदिर के नाम पर शुरू कर दिया क्या इल्म सर पढ़ रहे बहुत बढ़िया भी तो क्यों भाई इल्म सर पढ़ रहे ताकि मंदिर बन जाए मुझे सुभान अल्लाह क्यों
फायदा तो है, फायदा मतलब मिलेगी, वो फायदा कौन सा है? यहाँ के लायक नहीं, मुनासिब नहीं हो मंत्री गुजर के, समझ बता रही है? फायदा है गैर मुरतब है, मदद भी है, ये मसला क्या होएगा? मतलब कोई एक जगह फायदा तो आप पा रहे हैं, वो फायदा है क्या हो? गैर मुरतब है, लेकिन वो फायदा कहीं ना कहीं आपको नतीजा देने वाला है, उसी को ले लिया आप सर पे ले। अब इल्म कहाँ से कर रहे हैं आप? सर पे पढ़ रहे हैं आप, मंतिक पढ़ने के लिए सर पे पढ़ना, उस पढ़ने की बुनियाद पर उससे कोई फायदा निकल के आया आपको मंतिक के हवाले से? मुझे तो समझ नहीं आता है, बस मारी। लेकिन वो मोहतद भी है, यानी कहने के वो काम देगा आपको, कुरान शरीफ की इजरा करने में जाएंगे तो वहाँ लायक पाएगा उसके। ये कौन सा चीज़ है? तीसरा वाला है, फायदा है गैर मुरतब है। अच्छा फायदा मुरतब है, गैर मुरतब हो चुका। अब यहाँ ये भी हो चुका ना जी। अरे दूसरा होता है कि फायदा है, लेकिन उसके फायदे का कोई मतलब भी नहीं, कोई मदद भी नहीं। तो मिसाल बताओ उसकी, वही गैर आम है और गैर अर्जेंट है, समझ आए ना? वैसा हम लोगों से लिया है, किताब पहले लिखी है ना, बाद में लिखी हुई हो, सो नेवर साउंड हाउ फाइव इट पेपर दिमाग हिला है सर, मतलब पढ़ना पड़ेगा इसको, समझ जाएगी किस को ये एक वो सर पढ़ने में का मंत्र मुझे आ जाए अजीब का नहीं सर पे पढ़ता ही नहीं मंत्र आ जाएगा उसको आ जाएगा अच्छे कैसे अच्छे थोड़ी है ये समझ गया भाई अब चलो अरे जो अजीब मानी पड़ा अपनी की तौर पर कोई फायदे नहीं उसका है। हां वो भी ज्यादा है वजी मां, वजी मां ठीक है, दिखाए की मां वजी मां, अब्बा ने वो अम्मा है। चलो समझ गए भाई, अब मसला वही हुआ, सवाल क्या है कि डायरेक्ट आपका ये कह देना लकाना फी लकाना तलबहु अवसा, तो क्या है इसका तलब करना है? ये कैसी बात हो गई? बात मिलने की बात आ रही है, इसलिए ना इबादत पे कलाम हो सकता है, ये अवश्य की जो कई कंडीशन है, बताइए फिर आपकी मुराद यहाँ पे क्या है? मुराद में जो है ना दो मुरादें हो सकती हैं, अला सलील मने खुलो, मने खुलो किसे कहते हैं भाई? जो एक साथ जिनका इत्तेफाक हो एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं जी, एक साथ जुदा भी नहीं हो सकता, यही है माने तो खुलो एक साथ जमा हो सकते हैं, एक साथ जमा हो सकते हैं, तो कोई मसला खाली नहीं हो सकते मना हो रहा है। चलो ठीक है भाई, तो चार कंडीशन निकल के आ रही, इससे आपकी मुराद क्या है? डायरेक्ट कॉमन कहना चाहेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे इसकी तीन कंडीशन निकालेंगे, फायदा हो, फायदा मुकद्दे हो, ये वो फायदा उसके लिए मुरतब भी हो, फायदा नंबर क्या है? फायदा है, तो जो फायदा भी है, फायदा मुरतब भी है, फायदा भी क्या है? मुतद ये भी है, तीन में से निकल गया। एक पहली वाली कंडीशन है वो तो ऐसी बात है, तो जो भी है यहाँ पे सारे जो है ना अबस की चंद सूरतें निकालेंगे, तीन सूरतें आपको दिखा देंगे तकरीबन। एक पहली वाली सूरत की जो भी बंदा कोई काम करता है उसका कोई अगर फायदा ना हो दुनिया के अंदर तो समझ नहीं आ रहा, बदमाश हो गया किसी कौन को तबाह करते हैं सिंधु को भी, तो फिर मुझे तो फायदा समझते ही होते जी, समझ रहे हैं? पहली वाली कंडीशन है बेफायदी माँ, कि बगैर किसी फायदे को काम अंजाम दे रहा है, तो ये जाहिर इसका बदला कि कोई बंदा काम करेगा बगैर फायदे का ऐसे बोलिए कुछ फायदा उसको हो रहा होगा, अगर जी वो फायदा नजर शराब में या आवाम में उठ के दिमाग से सही है या सही नहीं है, फिर उसके अपने दिमाग से तो सही होगा। तो दो फायदे हैं, उर्फी फायदा वाले उसकी नज़र में फायदा, ये इससे मुराद शारी की कौन सी है? उर्फी फायदा है या उसकी नज़र में फायदा, ये बताना चाहते हैं, इसलिए ऐसे हमने लगाया कि कौन आपने जीव कर दो उसी के हमें जवाब दिया। ठीक है भाई, समझ गया ना भाई? डायरेक्ट ये कहना दुरुस्त नहीं है, ये भी तो है ना लगाना तलब वो तो वो भी है ना, जैसे कुछ अपने बस यूँ ही बस अपने उंगली काट दी तो फायदा नहीं उसके अंदर, नहीं तो कुछ बदमाश छुड़ी गई उसको, कुछ लोग अपने आप को फांसी लगाते हैं, फायदा क्या नहीं है वही सोच करके लगाते हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा नया नया पता है क्या पता है कि उसके बाद में मरने वाला है, उंगली भी काट देगी कुछ दिखाने के लिए, देखो तुम इतराज करने के लिए बैठ गए
गुरु के खिलाफ नहीं खाएंगे पिएंगे मार डालेंगे ताकि चिंगला पूछ बोले तो ज्ञान की वजह एक बात और है कि जिस बंदे के जो कुछ कर रहा है उसकी निगाह के बारे में हमें पता नहीं होगा इसके बारे में ऐसे रहा है एतकाद की नजरिए गलत जाया जाएगा आबसन की नजरिए उसकी नज़र में यह बस हो जाए क्योंकि कोई और भी जाने में उसकी नज़र में क्या बस है क्या अच्छा गलत है ठीक है चलो देखो समझ गया नहीं क्या आशय का सब सत्य है अब देखो अकूल मैं कहता हूँ तो जवाब के तौर से उन्होंने दिया है आशय लिखा है तो जकान तलब हो आवासन से मुराद ये है कि मामला ऐसा ही है उर्फ के अतबार से हो गया उसकी नज़र में के अतबार से आवस मुतलकन आवस बात नहीं है बल्कि क्या उर्फी अतबार से आवस होगा या फिर खुद हो उसकी नज़र में ही आवस होगा तमाम तमाम आवस के अकसाम में नहीं आएंगे अगर जो मुतलक कहा गया है सभी आ सकते हैं सभी मौजूद नहीं है हाँ अला सलील मन खुद इज्तिमा तो जायज़ है लेकिन क्या है आने जायज नहीं इख्तराब जायज नहीं होगा सब दोनों चले जाए ऐसा नहीं हो सकता यानी आबस उर्फी हो या आबस भी नजर ही हो दोनों में से कोई ना कोई जरूर होगा चलो बात समझा क्या पूरा देखिए आशा यानी अन्न शुरू आप लेल में फेल इख्तियारी उन क्योंकि शुरू फिर इल में क्या फेल है इख्तियारी आशिया में शर्म वाला पड़ चुका फेल है इख्तियारी हल मुरक्कब जो क्या हो फायल मुख्तार सादिर हो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए इल्लत असबाब वगैरह तरतीब के बारे में पढ़े ना तरतीब की तारीफ में होने लगता है कि आज तारीफ जी जी तरतीब वो हमारी मालूम तरदी का मजबूर आई है चाहे मरकब है हर मरकब में फायदे मुख्तार सादिर उसके लिए कोई ना उसके क्या होना चाहिए इरादा होना चाहिए कुछ सिलत पढ़ें इल्म हिकमत की बात है इस तरह से शुरू फिर में क्या एक फेरे इख्तियारी है यानी बंदा फेरे तय मतलब ये कोशिश करने के लिए करने वाला क्या करता है इरादा करता है तभी वो चीज़ क्या होती है वजूद पजीर होती है तुम मारा फिर इख्तियार का एक आम माने ऐसा हो वो फेर बगैर किसी अजम इरादे के हो शुरू ना हो क्या होगा तो वो सदर हुआ होगा अच्छा अब फला बुद्धा से कुछ बातें बताने जा रहे हैं कि जब फेल इख्तियारी है तो फा जुमे काम अंजाम देगा उस सोच समझ के अंजाम देगा उसके लिए तीन शोकर बनाने जा रहे हैं कि फला से हाशिया नंबर में लिखा है वजूब सम्राट वजूब आकली है यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा का जानना जरूरी है फ़ायदा वो जज्मी हो जहनी हो या इसके अलावा कुछ और हो लेकिन होना जरूर है फ़ायदा क्या लिखा है فلابد من أن يعلم أولا أن لذلك العلم فائدة ठीक है अवर ये जानना जरूरी है कि उस इल्म का कोई मखसूस फायदा है वइल्ला अगर ये ना जाने तो शुरू करना ही क्या हो जाएगा मुतर हो जाएगा तो वो हो गया बिदून फायदत मौलिक में चला गई तो जो बिदून फायदत मौलिक लिख दिया अगर लिख लो बिदून फायदत मौलिक में बिना किसी फायदे के शुरू कर दिया इसका ये शुरू करना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं होगा चलो कि भाई ओइला से उसका रद्द कर दिया कि बिदून फायद मिम्मा जब ने मुझे लिखा होगा देख लो चार सूरतों में वो नहीं हो सकता कुछ तो फायदा होना जरूरी है वही लाल तना शुरू हो वरना क्या इसका शुरू भी क्या हो जाएगा चाहे शुरू वाला वजी बसीरा हो या कुछ और हो आशा लिखा है कमा बुई गिना थी मौत ही जैसा कि इसके बारे में इल्म हकमत में बयान कर दिया गया है इसके बारे में कि फेल इख्तियारी का सुदूर जो फायल से उसी वक्त होगा जब फायल क्या करे फायल मुरतब अलैहा यानी उस फेल के ऊपर जो फ़ायदा मुरतब होता है उसका तसव्वुर वो तब ना कर ले तब तक वो फेल उससे साबित नहीं होगा समझ बात हो गई फाइनली मौदी का मतलब फेल इख्तियारी किसी खास इल्म के टर्मिनोलॉजी है टर्मिनोलॉजी सुनो टर्मिनोलॉजी है मेरे अलावा खान साहब की बात कर रहा था टेक्नोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी क्या बोलते हैं बायोलॉजी टेक्नोलॉजी क्योंकि टेक्नोलॉजी ना बोले उसको अच्छा लगता है मगर इससे सुनो ना इस गैर रूम होंगे लोगों पर गिरा है इसका ये क्या हो रहा है इसका जहां इस बारे में बात की गई है वो कौन सी बात है हिकमत
मौका मकान महाल में नौ यही है मकान यही महल यही इससे का पता बराबर तो एक चीज ही और ये भी जरूरी है कि उसको फायदा क्या हो भैया मोहतक भी हो है ना काबिल है कदर हो मुनासिब हो लायक फायक हो मोहतक दत्तम भैया इतदाद अब्दुल मादस है शुमार करना यानी लायक शुमार हो लायक अमल हो वो फायदा जरूरी है क्या हो मोहतक ब्याह हो करना होगा यानी मुनासिब हो काबिल शुमार हो लायक लायक शुमार हो نظران الى المشقه التي تقوم للمشتغلين في تحصيل ذلك العلم عند الله اس مشقت اور جان فشانی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس فائدہ وہ فائدہ لائق فائدہ ہو جو جان فشانی جگر سوزی جگر کاوی کیا ہوتی ہے اس علم کی تحصیل میں لگے حضرات کو ہوتی ہے مسلم حضرات مشتغل مسلم حضرات تمام حضرات مشتغل मोहब्बत नहीं मोहब्बत है बल्कि द्वारे का मोहब्बत नहीं मशक्कत है मशक्कत नहीं है मसरत है मसरत नहीं है इंडिया में इस्तेमाल होता है इस्तेमाल करना अगर ये भी ना हो जाए लाखों में फायदा ना हो तो क्या होगा पहली बात क्या है फायदा ही ना हो तो शुरू मुमकिन चले हैं फायदा है लेकिन फायदा मुनासिब नहीं है तभी क्या हो जाएगा वो क्या होगा क्या लिखा है وإلا كان شروعه فيه وطلبه له مما يعد عبثا عرفا ورنہ تو کیا ہو جائے گا اس کا شروع کرنا اس علم میں علم میں اس علم کا شروع کرنا اور اس کا اس علم کو طلب کرنا له اور فی میں حق کے لیے کمانے علم ہے اس علم کا شروع کرنا اور اس بندے کا ہے اس علم کو طلب کرنا اس میں سے ہو جائے گا جس کو عرفا کیا شروع کیا جاتا ہے بس لغت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کسی اعتبار سے ہے लिखा होगा आप पूर्व के एतवार से किसे कहते हैं क्या नहीं कहते हैं तलब के बारे में तो इस हवाले से आपके हाशिया नंबर 20 जो है ना लगाया नीचे एक लफ्ज है फैसिर वसायहु की तरह भी आबतन फी नजरी तो जो अपनी नजर में क्या हो जाए तलब के सिलसिले में बेकार हो जाए ये क्या है अब ऐसे उर्फी है नीचे बात बना रही ठीक है भाई ऊपर लिख दिया देखो एक अवश्य हकीकी है अवश्य उर्दी है अवश्य हकीकी का तसव्वुर हो ही नहीं सकता अवश्य उर्दी का मसला क्या आ रहा तो जो जल्दी निकल चलो दो हो गए खत्म वबिदालिक यफ्तुरु जिद्दुहु फी कतअन और इसी से क्या होगा इस इल्म की तहसील में उसकी कोशिश और मेहनत माद पड़ जाएगी यफ्तु मतलब फुदूर फुदूर पड़ जाए सुस्त पड़ जाए ठीक है हाँ क्यों पता नहीं चला कुछ फायदा है तो पढ़ते पढ़ते जैसे आप लोग हैं तो आप समझ नहीं आया एक किलो जो समझ आ रही बच्चों के फायदे के बारे में मैंने कहा था मंदिर के मकसद गैर मुतयन है या मुतयन है गैर वाद है सुस्ती भी आएगी कहीं नहीं जाएगी कमजोरी ये सब आया जारी का यक्ष डूबी पढ़ने आ रहे मजे नहीं आ रहा नाम दे दूंगे किसी का ठीक है ये कंडीशन होनी चाहिए अरे बुलाने ऐसी किधर है और ये भी जरूरी है कि वो फायदा वही फायदा हो जो फायदा उस इल्म पर क्या होता हो उस इल्म से पढ़ने के बुनियाद पर जो फायदा हमें मरतब होना चाहिए था वो फायदा मुझे वही मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिलना चाहिए और फायदा मिलता है तो फिर हमारे लिए फायदा नहीं है
है लेकिन इस मकाम के लिए फायदा नहीं है। मिसाल मंत्रिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मंत्री की तारीफ वही है कि जो समझ में ना आए वही मंत्री है। क्या है भाई, जो समझ में आए दिमाग पका दे वो तारीफ है, तलबी है, तालिब इल्मी है, तालिब इल्मी को जो नज़्म करते हैं तारीफ वो समझते हैं, जहाँ समझ में ना आए वो क्या हो मंत्री के। कोई बोल रहे अरे कम से मंत्री की गुफ्तगू कर रहे हो यार, बोलते हैं अरे यार क्या मंत्री की गुफ्तगू करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा तो उसके अपने जहन में कुछ नहीं बताएगा, मंत्री को बदनाम कर रहा है, क्या मंत्री की गुफ्तगू कर रहे हैं, सही कह रहा हूँ। चलो खत्म हो गया भाई। हाँ आगे लिखा है इन लम तकुन इयाहा, अगर ये चीज ना हो लम तकुन में तकुन की जमीन लौटेगी फायदा किसका, इया हम कौन सा लौटेगी जमीन फिर भाई, जो अलग किया है अलग करने की वजह डॉक्टर नौ का भी नहीं मानता बच्चों, अगर वो फायदा वही फायदा ना हो जजाए लरुबामा जारा इतकाद हो बात शुरू की थी बसा औका लरुबामा, इसलिए कहा है क्योंकि यकीन नहीं है, कुछ ऐसे नहीं होते हैं किसी के बारे में कुछ फायदा नहीं लगे रहते हैं, तो यकीन नहीं है कि क्या है उसका एतकाद शुरू करने के बाद जाहिर हो जाएगा, यकीन किस नहीं है हाजिर में क्या भी है तो कतान यकीन जिस नहीं, इसलिए लरुबामा का वरना ज़ारा कहता क्या इलम तो कुछ यह लजारा इतकाद नहीं कहा, बल्कि क्या कहा लरुबामा ज़ारा, देखो अल्फाज के इंतखाब है नज़मों में लिखोगे तो अल्फाज घराना बढ़ाना दे दख के लिखना, ये सब है मतलब समझ लो दिमाग खोलने के लिए मुनासिबत नहीं है, जमीन लिख दिया है क्या हो जाएगा उस बेचारा का शुरू करने के बाद जो एतकाद है कि मुझे पढ़ने के बाद मिलने वाला है, हम गौर कर लो जाने आए हो आज मरने के लिए क्या हो जाएगा, लगा ना तरब हो आवश्यक मैं आपके दिन तभी तो कैसी है कोई मजे का दर्द है सन्नारा जहरान बिल्ला हो कैसे तभी कर सकते हैं तलवार की सुस्ती के खाई ले लाओ मुझे तो भी समझाते हैं ऐसी मसाइयों की तरफ ही आवश्यक मेरा जरी, तो अपनी तरफ में क्या हो जाएगा वो, तो उसकी कोशिश खुद उसके तरफ में क्या हो जाएगी उसके अपने एतबार से आवश हो जाएगी, तो मुझे देख लो भाई उसकी कोशिश अपने तरफ में खुद उसके नजर में क्या हो जाएगी बेकार हो जाएगी, आवाज में लौट रही पसंद आ गया, चलो खत्म आ गई। अब इसमें से कौन सी कंडीशन आ गई, तुम्हारे कंडीशन है मुरतब मौत फायदा है मुरतब और मौत है ब्याह वाले होते ना जी, नहीं लिखाऊं क्या देखिए ओ कुछ कुछ अलग क्या हो गया क्या एक तो एक होना चाहिए फायदा हो मरतब हो मतलब ब्याह हो ये डबल डाल आएगा जी सर, एक बना बैठे तो फायदा मरतब और मतलब है ब्याह देखें वामाई जाल में फायदा दल मतलब दल ब्याह अल मरतब ताले ही अगर क्या है भाई नौ जैक मिल रहा है तू भी डाल क्या हुई बार माशाल्लाह, इसलिए जब वो उस फायदे का उसको पता चल जाए तो फायदा क्या है उसी पर मुरतब मुतद है लायक पायक है लावे समझ कर रहा हूँ उसकी रगबत उसमें भी क्या हो जाएगी आम हो जाएगी, मजा आएगा पढ़ने में सुस्ती कई बार वो फिर तहसील और वो उसकी तहसील में क्या करेगा मुबारक में लग जाएगा, मुबारक मतलब अंत तक इंतजार कुछ में लग जाएगा कमा हुआ तो जैसा कुछ सिल्म का वो हक है वैसादारी का इतकाल बाद शुरू हुई ओहो अभी तो शुरुआत में उसका यह हाल होगा और शुरू के बाद उसके एतकाद में क्या उल्टा होगा और मजीद इजाफा इसके एतकाद में शुरू करने वाले के इसका फायदा है जो भी पढ़ते जाएगा फायदा मिलते जाएगा यार खुद भी शुरू किए थे वो सुनते थे वो डेंजर है खुद भी खत्म फिर खुद भी ओहो वो डेंजर हो गया तो समझ ही नहीं आ रहा है निवासी तती विवास्ति मुनासबती मसाइली वित्तिकल फायदा उस फायदे के लिए उन उस इल्म के मसाइल के मुनासबत के वास्ते से हम यार कहने का चाह रहे हैं यानी एक फायदा है इस फायदे को उस इल्म के मसाइल से कुछ कुछ क्या है मुनासबत है भाई जो इल्म पढ़ रहे हैं उस इल्म से फायदा मिला तो उसको कहने के
उसका एतकाद दिन ब दिन क्या शुरू में बढ़ता जाएगा, क्यों, किस वास्ते से, उस इल्म के मसाइल के उस फायदे से क्या है ताल्लुक होने की बुनियाद पर वास्ते होने की वजह से वहां से होने की बुनियाद पर। चलो खाना हो गया, बात हो गई।